क्या आप जानते हो मॉस्किटो जो मच्छर होते हैं ना, उनके भी दांत होते हैं और वो इंसान से भी ज़्यादा। एक मच्छर के टोटल 47 दांत होते हैं, इंसान को 32 दांत और एक मच्छर को 47, यानी इंसान से भी ज़्यादा दांत। नंबर दो, हम किसी भी व्हीकल या किसी भी चीज़ को ट्रैक करने के लिए GPS सिस्टम का यूज़ करते हैं और वो भी फ्री में यूज़ करते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं है। GPS सिस्टम बिल्कुल फ्री है। लेकिन आप जानते हो GPS सिस्टम एक्चुअल में फ्री नहीं है। GPS सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए US गवर्नमेंट हर साल $1.42 बिलियन स्पेंड कर रही है, और वो जो मनी है वो अमेरिका की जो टैक्स रेवेन्यू होती है वहाँ से ये मनी आता है। नंबर थ्री, हमारी बॉडी में दो किडनियाँ होती है, लेकिन इंसान को ज़िंदा रहने के लिए एक किडनी काफ़ी होती है। अगर किसी भी इंसान की एक किडनी बंद हो जाए तो वो आदमी ज़िंदा रह सकता है लेकिन कुछ काम नहीं कर सकता। नंबर फोर, हमारी पूरी बॉडी में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मसल कौन सा है पता है? हमारी टंग, जिसमें कोई हड्डी नहीं होती फिर भी पूरी लाइफ हमारी बॉडी से ज़्यादा हमारी टंग काम करती है। नंबर फाइव, एक स्टडी के अनुसार इंसान के मुंह के अंदर 40,000 बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। नंबर सिक्स, पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उनमें से सबसे ज़्यादा लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है पता है? चाइनीज। पूरे वर्ल्ड में चाइनीज़ भाषा को सबसे ज़्यादा बोला जाता है। नंबर वन पे है चाइनीज़, नंबर दो पे है इंग्लिश और नंबर तीन पे है हिंदी भाषा। मतलब इंग्लिश से ज़्यादा लोग चाइनीज़ भाषा बोल रहे हैं। अब तो हमें भी चाइनीज़ भाषा सीखनी पड़ेगी। नंबर सेवन, एक आदमी कितनी भाषा बोल सकता है? 5, 10, 20, 50। ब्राज़ील में एक ऐसा आदमी है जिसका नाम है जैद फजा। ये आदमी 59 भाषा बोल सकता है, वो भी अलग अलग कंट्री की लैंग्वेज में। पूरे वर्ल्ड में इतनी भाषा कोई नहीं बोल सकता। बस इन भाई साहब को हिंदी नहीं आती, इनको हिंदी भी सीखनी चाहिए, मज़ेदार भाषा है। नंबर आठ, इंडिया में सबसे पहले बस सर्विसेज कहाँ से शुरू हुई थी? गैस करो, मुंबई से शुरू हुई थी। 15 जुलाई 1926 से पहली बस शुरू हुई थी, और इस बस का पहला रूट था अफगान चर्च से लेकर क्राउडफोर्ड मार्केट तक। नंबर नौ, चाइना की गवर्नमेंट ने एक ऐसा लॉ बनाया है कि 60 साल के ऊपर के किसी भी पेरेंट्स होते हैं उसकी आप डेली केयर नहीं करते, और यदि आपके पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम है उनके बेटे से और वो शिकायत कर दे तो उसे जेल जाना पड़ता है। मतलब बूढ़े माँ बाप के लिए एक सख्त कानून बनाया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। गुड बाय।